गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द मून, चांद के बारे में। गेट रेडी, देखिए क्या दिखाया। टिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट, कुछ बातें कही गई हैं जो इसमें सही हैं, जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए टिक लगा, सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत है उसके लिए गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए चैप्टर में देखते हैं। यू ऑल नो दैट द मून इज़ द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन मून। यू सी द मून इन द स्काई एट नाइट। इट इज़ अबाउट 384,400 केम्स अवे फ्रॉम द अर्थ। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो चांद है वही एक नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ का, और जो हमारा अर्थ है उसके पास बस एक ही चांद है। और आपने देखा होगा चांद को रात के वक्त आसमान में। और ये जो है 384,400 किलोमीटर हमारे ज़मीन से दूर है। सरफेस ऑफ द मून, कि जो मून का सतह कैसा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द सरफेस ऑफ द मून इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ वेरी अनइवन, इट इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डस्ट, इट हैज़ लॉट ऑफ होल्स एंड क्रेटर्स। क्रेटर्स आर ए डीप होल्स formed by a falling of a meteorites on the surface of the moon. The moon has a moon also has a mountains and a valley. देखिए, जो चांद का सरफेस है वो चिकना नहीं है, बल्कि ये बहुत ही उबड़ खाबड़ है, ठीक है। और ये जो है वो धूल के परत से ढका हुआ है, और इसमें बहुत सारी छेदे हैं और क्रिएटर्स हैं। क्रिएटर्स जो है वो भी एक छेद होता है, बहुत ही गहरा छेद होता है, जो कि जब टूटे हुए तारे गिरते हैं चांद के सरफेस पे, इसकी वजह से वो बना रहता है, ठीक है। और जो मून के पास माउंटेन यानी पहाड़ भी होते हैं और घाटियाँ भी होती है। कंडीशन ऑफ द मून, मून के क्या क्या कंडीशन है ये पढ़िए। द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, सो इट डजंट हैव अ वेदर टू। देर इज़ नो एयर ऑन द मून, डेट्स वाई नो साउंड कैन बी हियर्ड ऑन द मून। द मून डजंट हैव एटमोसफेयर, सो इट इज़ अनएबल टू एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द स्टॉप द सन हिट्स एक्सेप्ट एट आउट एट द नाइट टाइम। ड्यू टू दिस रीजन द मून इज एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। डेट्स वाई लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून। मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे कोई मौसम नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे ना ही हवाएं होती हैं, मून पे हवा नहीं होती है, इसी वजह से कोई भी साउंड, कोई भी आवाज़ मून पर नहीं सुना जा सकता है। जो मून होता है उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसी वजह से ये अनेबल होता है सूरज की हीट को एब्जॉर्ब करने से, यानी सूरज की जो रोशनी, सॉरी, जो गर्मी होती है उसको नहीं ऑब्जर्व कर पाता है डे टाइम यानी दिन के समय में। और रात के समय में जो होता है, सूरज अपनी गर्मी को छिपा लेता है, ठीक है। इसी रीज़न की वजह से जो चांद होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है दिन के समय और ठंडा होता है बहुत ज़्यादा रात के समय। इसी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई ज़िंदा नहीं रह सकता है, यहाँ पे कोई वस्तु नहीं, कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकती है। फेजेज ऑफ द मून, मून के क्या क्या फेजेज हैं ये देखिए। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। दिस इज बिकॉज वी सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, ठीक है। दिस चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून। देखिए, जो मून होता है वो अपने आकार को हर रोज़ बदलता रहता है, और इसी वजह से हम जो है सिर्फ उसी हिस्से को, मून के पार्ट को देख पाते हैं, ठीक है, उस पार्ट को देख पाते हैं जिस पर सूरज की रोशनी की परछाई पड़ती है। और ये जो चेंजिंग करता रहता है, अपने आकार को बदलता रहता है मून, उसी को हम फेज कहते हैं, फेज ऑफ मून। द डिफरेंट फेजेज ऑफ मून आर डिस्कस्ड बिलो। अलग अलग फेज होते हैं। पहला है न्यू मून। When the side of the moon facing towards the earth doesn't reflect the sunlight, you can't see the moon. This phase of the moon is called new moon. देखिए, जो moon का side होता है, जो उसका
मतलब फेस होता है ज़मीन की ओर, उस पर सूरज की रोशनी की परछाई नहीं जा पाती है, इसी वजह से हम मून को नहीं देख सकते हैं। तो मून को नहीं देख सकते हो, इसी मून के फेस को हम क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं, क्रिसेंट मून। व्हेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फेसिंग साइड ऑफ द मून रिफ्लेक्ट द सन लाइट एंड इट इज़ विजिबल टू यू, दिस फेज ऑफ द मून इज़ कॉल्ड क्रिसेंट मून। देखिए, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो होता है फेसिंग साइड जो मून का होता है, उसी पर सूरज की रोशनी की परछाई पड़ पाती है, और इसे हम तुम अपने आँखों से भी देखते हो। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून कहते हैं, हाफ मून। देखिए, व्हेन हाफ ऑफ द फेसिंग साइड ऑफ द मून रिफ्लेक्ट द सनलाइट दिस फेज इज नोन एज अ, मतलब पूरा हाफ, पूरा आधा साइड जो होता है उस पर सूरज की परछाई पड़ जाती है, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, हाफ मून कहते हैं, गिब्बस मून। व्हेन वी सी थ्री क्वार्टर ऑफ द फेसिंग साइड ऑफ द मून रिफ्लेक्ट द सनलाइट, यानी तीन चौथाई जो है उसके फेसिंग साइड को देखते हैं जिस पर सूरज की रोशनी की परछाई पड़ती है, इस फेस को हम गिब्बस मून कहते हैं। देखिए, सब में फिगर बनाया गया है। फुल मून, व्हेन द इंटीरियर मून रिफ्लेक्ट द सनलाइट दिस फेज इज कॉल्ड फुल मून, जब पूरा जितना भी चांद होता है सॉरी, तो उस पर सूरज की रोशनी की परछाई पड़ती है, तो उस फेस को हम फुल मून कहते हैं। ऑल द फेस टुगेदर ऑफ द मून आर नोन एज ए वैक्सिंग फेज ऑफ द मून। आफ्टर दिस द साइकिल रिवर्स एंड द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मून स्टार्ट रिड्यूसिंग, दिस फेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ वार्निंग फेज ऑफ द मून। देखिए, जब ये जितने भी फेज होते हैं वो एक साथ होते हैं, ठीक है, ऑल फेज टुगेदर मतलब सारे फेज को हम क्या कहते हैं, एक साथ जब सारे फेज, उसको हम कहेंगे वैक्सिंग फेज, ठीक है। और ये जो साइकिल है, इसके बाद जैसे कि फुल मून के बाद फिर उल्टा चलता है, फिर न्यू मून से फिर शुरू हो जाता है, और इस फेज को हम क्या कहते हैं, वार्निंग फेज ऑफ अ मून, वार्निंग फेज कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, मून के बारे में, सरफेस कंडीशन, उसके फेज। अब हम कल पढ़ेंगे।